स्वागत है आपका क्रिकलिक्स हेडलाइंस में। आज की पहली खबर है कि अश्विन का गुस्सा फूटा है आरटीएम पर। आरटीएम मतलब राइट टू मैच, जो कि आईपीएल में एक टर्म होता है, ऑक्शन में यूज किया जाता है। आपको बता दें 2022 में आरटीएम यूज नहीं हुआ था। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बयान दिया है और उस बयान में ये बोला है कि अगर आरटीएम लागू होता है दोबारा से तो इससे प्लेयर्स का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर प्लेयर्स को कुछ मिलेगा ही नहीं, पैसों में नुकसान होगा उनका। और उन्होंने एग्जांपल देकर भी समझाया है कि आरटीएम का मतलब ये होता है कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद का कोई एक खिलाड़ी है जो कि ऑक्शन में गया, उसमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ने बोली लगाई, अगर 6-6 करोड़ की बोली लगा दी है तो फिर वापस अगर सनराइजर्स हैदराबाद उसे अपनी टीम में आरटीएम का यूज करके लाना चाहे तो वो ला सकती है और बेस प्राइस पे उसके ला सकती है। यानी इसका अगर 2 करोड़ बेस प्राइस है तो 2 करोड़ पे ही ला सकती है, तो इससे उस प्लेयर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगली खबर है कि रिंकू सिंह का टेस्ट में डेब्यू हो सकता है। रिंकू सिंह ऑलरेडी T20I और ODI में धमाल मचा चुके हैं अपने बल्ले से, IPL में भी कमाल कर चुके हैं और अब टेस्ट में भी धमाल मचाने को तैयार है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो 19 सितंबर से सीरीज शुरू होने वाली है उसमें रिंकू सिंह का जलवा देखने को मिल सकता है और उसमें रिंकू सिंह का टेस्ट डेब्यू भी हो सकता है। और ऐसी खबरें आ रही है कि नंबर 5 की पोजीशन पे उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। अगली खबर है कि आईपीएल मेगा ऑक्शन के रूल्स में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। पहले तो ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी, ऐसे इनसाइट्स आ रही थी कि आईपीएल का मेगा ऑक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि 31 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी आईपीएल सीईओ के बीच में, आईपीएल फ्रेंचाइजी के बीच में, बीसीसीआई के बीच में, उसमें सारी बातें सुनी गई और नतीजा कहीं ना कहीं इस बात पे निकल रहा था कि मेगा ऑक्शन को अगले साल से हटा दिया जाएगा। यानी जब 2021-22 में मेगा ऑक्शन होता, अब 2024 के लास्ट मेगा ऑक्शन होने वाला, आईपीएल 2025 के लिए हटा दिया जाएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि हटाया नहीं जाएगा बल्कि रिटेंशन रूल्स में चेंजेस ला सकते हैं, जहां 4 खिलाड़ी एक फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकती है जिसमें से 3 प्लेयर्स इंडियन हो सकते हैं, 1 ओवरसीज प्लेयर हो सकता है। वहीं अब 4 की जगह 6 खिलाड़ियों का प्रावधान जो है रिटेन करने का आ सकता है। अगली खबर है कि आशीष नेहरा और गुजरात टाइटंस की बिल्कुल भी नहीं बन रही है और आशीष नेहरा जो है गुजरात टाइटंस का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस जब 2022 में आई थी तो गुजरात टाइटंस आईपीएल की चैंपियन बनी थी, 2023 में रनर अप थी और 2024 में शुभमन गिल जब कप्तान बने, हार्दिक पंड्या छोड़ कर गए, तो शुभमन गिल कुछ ज्यादा कप्तानी में खास कमाल कर नहीं पाए, उनके बल्ले से भी कुछ ज्यादा रन नहीं थे, 1 सेंचुरी ही आई थी शुभमन गिल के बल्ले से, बहुत कमाल की सेंचुरी वो लगाई थी, साई सुदर्शन के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आशीष नेहरा जो है, जो हेड कोच है गुजरात टाइटंस की, वो हेड कोच नहीं बन सकते हैं, वो अब हेड कोच की जो पोजीशन है वो छोड़ने के लिए तैयार है। अब जो लास्ट खबर है वो ये है कि राहुल द्रविड़ जो कि पूर्व इंडिया के हेड कोच हैं, वो अब राजस्थान रॉयल्स की हेड कोच बन सकते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही कि राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स को बहुत दिनों तक मतलब कि साथ दिया है, कप्तानी करी है, खेला भी है और अब राहुल द्रविड़ जो है कुमार संगकारा को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल कुमार संगकारा जो है वो है राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच और अब राहुल द्रविड़ बन सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच। ऐसे इनसाइड्स आ रही। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।